सियालकोट मैं सफ़र पे था और रात मैंने वहाँ ठहरनी थी। चंद एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त उलमा, उनके यहाँ गया मिला तो मुझे कहते बहुत अच्छा हो गया आज आप आ गए। मैंने कहा खैर? कहा जी हमारे यहाँ शहर में एक दो लड़के हैं गैर मुकल्लद, तो वो कह रहे थे कि आप हमारे घर आएँ और हमें मसला समझाएं, और आज हमने रात इशा के बाद उनके पास जाना है, अच्छा हुआ कि आप आ गए, आप चलें। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। बचा मैंने कहा मेरी मर्ज़ी, मैं आपको मिलने के लिए आया हूँ या किसी घर जाकर मसला समझाने के लिए आया हूँ? मुझे कहते नहीं नहीं आप चलें। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा। फिर कहते चलें। अब मैं समझता था कि उनकी इज्जत का मसला बन गया। मैंने कहा मैं जाता हूँ, आप ऐसा करें कुछ किताबें ले लें और एक वीडियो कैमरा ले लें। वीडियो तो हमारे पास है नहीं। मैंने कहा ऑडियो ले लें, कोई टेप ले लें। ये आज से तकरीबन कोई 9 या 10 साल पुरानी बात है। खैर उनने कहा ठीक है। मुझे पता था कि होना क्या है। मैंने कहा तुम्हारी खुशकिस्मत यह है कि आज मैं आया हूँ। इस लड़के ने अपने घर में अपने 3-4 मौलवी बुलाने हैं और तुम्हें उनके सामने बिठाना है। वो तैयारी करके आएंगे, किताबें लेकर आएंगे, आप वैसे जाएंगे, आपको फिर समझ आएगी हमारे साथ क्या हुआ। नहीं नहीं हम इनको जानते हैं, हमारे मोहल्ले के लड़के हैं। मैंने कहा चलें आपको समझ आ जाएगी। हम इशा के बाद जब पहुँचे तो उनके 3-4 लड़के, रिकॉर्डिंग का निज़ाम पूरा साथ, किताबें साथ और 3-4 मौलवी मौजूद। मैंने कहा लो आप चख लो मज़ा। और मैं अकेला, ना मेरे पास किताब, ना मेरे साथ कोई साथी, जैसे सफरों में होता है। मुझे पता था मैंने इनकार किया, इनको समझ नहीं आनी। मैंने कहा वो किधर है भाई टेप? वो लड़के कहते जी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तुम्हें गुमराह समझता हूँ, तुम्हारी टेप पर मैं इत्माद करूँगा, हमारी टेप अलग होनी चाहिए। हमारे साथी कहते जी नहीं है। मैंने कहा फिर मैं बात नहीं करता, मैं बात तब करूँगा जब हमारी टेप आएगी। उनने दुकान खुलवाई, दुकान खुलवा के नई टेप छोटी जापानी ख़रीदी, 7-4 कैसेटें लेकर आए। हम घंटा बैठे रहे। मैंने कहा मैं नहीं शुरू करूँगा, हमारी टेप अलग होनी चाहिए। जब टेप आ गई, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, मैंने कहा अब बात करो। चूँकि आपका मैदान नहीं है ना, इसलिए आप इन बातों को नहीं समझ सकते। हमारा मैदान है, हमें पता है कि मुखालिफ क्या हरबे इस्तेमाल करता है। खैर मैंने कहा जी क्या बात करनी? कहा जी तकलीद पर करनी है। मैंने कहा आप तकलीद के बारे में क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं? मैंने कहा मैं क्या कहता हूँ, बात आपने समझनी है, मैंने तो नहीं समझनी। आप क्या समझना चाहते हैं, क्या इश्काल है? आप वो चाहते थे कि दावा ये लिखे और दलाइल दे, मैं चाहता दावा वो लिखे और दलाइल वो दे, वो दें और मैं दलील तोड़ूँ। मेरे पास तो किताबें नहीं ना कि मैं दलाइल शुरू करूँ। ये दावा उनसे लिखवाओ, दलाइल उनसे दो, फिर हम दलाइल तोड़ने की बात करेंगे। बात समझ आ रही है आपको? मैंने कहा आपने घर बुलाया है, हमने नहीं बुलाया, आपने क्यों बुलाया है, मसला क्या है, परेशानी क्या आपकी? वो फंस गए। मैंने कहा आप क्या कहने जा, तकलीद पर बात करनी है। मैंने कहा आपको तकलीद पर क्या इश्काल है, क्या मसला है तकलीद के साथ जिस पर आप बात करना चाहते हैं? आप क्या समझते हैं कि तकलीद वाजिब है? आप ये कहते हैं? कहते नहीं। तो मैंने कहा फिर आप क्या कहते हैं? अब वो समझते थे, मुझे तो वो भी जानते थे कि इसने कहाँ तक हमें लाना है, अच्छी तरह एक दूसरे को जानते हैं ना। मैंने कहा आप कहना क्या चाहते हैं, तकलीद फ़र्ज़ है? नहीं। तकलीद वाजिब है? नहीं। मैंने कहा शिर्क है? कहते हैं हाँ। मैंने कहा लिखो, लिखो तकलीद शिर्क है, आप लिखे। मैंने कहा मैं क्यों लिखूँ, तकलीद को शिर्क आप कह रहे हैं और लिखूँ मैं? आप लिखो तकलीद शिर्क है। मैंने लिखवाया। मैंने कहा करो 10 खत इस पर, तुम्हारे 2-4 लड़के वो भी इस पर साइन करें। बात होगी। मैंने कहा अब दलील दो तकलीद के शिरक होने पर, दलील पेश करो। चूँकि मेरे पास किताबें नहीं, हमने अब देखिए हमारी रिकॉर्डिंग चल रही थी ना, ये हमारी टेप ना होती तो वो रिकॉर्डिंग मुझे देते कल को, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए हम रिकॉर्डिंग अपनी रखते हैं, फिर बात शुरू करते हैं। खैर 3 घंटे की हमारी बात है, वो 3 घंटे जो बात है मैं पूरा किस्सा तो नहीं सुनाता, मैं इस आयत पर सुना लूँ। उसने कहा कि तुम्हारे शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने कुरान में तारीफ़ की है, व इज़ा जा अम्र मिनल अमन अविल खौफ अज़ा हो भी,
इज़ाहुल अदिल्ला में हजरत ने लिखा है वलौ रद्दूहु इलर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ना वलौ रद्दूहु इला उलिल अम्र, रसूल छोड़ दिया, ये कुरान में तहरीफ है जो कुफर है। अच्छा, इज़ाहुल अदिल्ला में छपा है पहले नुस्खे में कि कातिब से गलती हो गई है, छप गया, उससे अगले नुस्खे में तस्ख़ी भी मौजूद है, उनने पहले वाला नुस्खा संभाला हुआ था कि तहरीफ की है जो कुफर है। अच्छा, जब ये बात चल रही थी ना तो मैंने तखलीद पर एक आगे दलील आ रही है वो पेश की, वत्तबे सबील अमन अनाबा इलैक, उसने इसका जवाब देते हुए अपनी नशिस्त में कहा कि ये जो अभी आपने आयत पढ़ी है वत्तबे मन अनाबा इलैया, इसका जवाब ये है, और उसके बाद ये इश्काल कर दिया। मैंने कहा हजरत शेखुल हिंद ने इलर रसूल का लफ्ज़ छोड़ा, आपने कहा तहरीफ है और जो कुफर है, ज़रा टेप वापस करें, अभी आपने पढ़ा वत्तब मन अनाब इलैया, आपने सबील का लफ्ज़ छोड़ा, जो तारीफ है वो कुफर है। हज़रत शेखुल हिंद की बात तो करेंगे, वो तो दुनिया से चले गए ना, पहले तुम अपने कुफर पर बात करोगे, जो तुमने कुफर किया है इसका क्या करें। जी गलती से निकला है, मैंने कहा वो गलती से लिखा है, तुमने गलती से बोल लिया है, कातिब ने गलती से लिख दिया है, अगर वो तारीफ है तो ये भी तारीफ है। चलो जी, मैंने कहा सुकून आ गया, अगली बात शुरू करो। ये होता है फन, ये फन का बंदा समझता है, दूसरा बंदा नहीं समझ सकता कि हमने कहा कि इसको क्या जवाब देना है।